जी तो आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। और काशी के हम लोग ये देखें पार्लर पे गए थे, सैलून पे। इनकी प्रोडक्ट आप लोग देखें कितने अच्छे इनके आई पैलेट है। मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर करूं। और जो इसके ऊपर पैकिंग हुई हुई है, पेस्टिंग, वो बहुत ही ज़बरदस्त है। इनके लिप कलर, मैंने इससे पहले कभी भी इनके प्रोडक्ट का रिव्यू नहीं किया, ना मैंने इसको परचेज़ किया, तो मुझे काफ़ी अच्छे लगे। और पार्लर तो आप लोगों को जैसे पता है कि इनका है ही, बहुत ही खूबसूरत बना हुआ है। और आई लैशेस भी इनकी बहुत ही प्यारी हैं, पार्टी वियर हैं और ब्राइडल के लिए भी हैं। तो मैंने विज़िट किया था यहाँ का, तो मैंने सोचा आप लोग के साथ शेयर करूँ। इनके ब्लश कलर भी बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं और प्राइसेस थोड़े से मुझे हाई लगे इनके। और ये 3,500 की पैलेट थी इनकी, और इंशाल्लाह मैं परचेज करूँ। वालेकुम एवरीवन, तो आज मैंने अपने सारे मेकअप की कलेक्शन आप लोगों के सामने रखी हुई है। और मेरे पास कोई बहुत ज़्यादा मेकअप नहीं है, क्योंकि मैं जब न्यू मेकअप लेती हूँ तो पुराना मैं बिल्कुल हटा देती हूँ, और उसका एक्सपायर होने से पहले ही, क्योंकि मैं ज़्यादा मेकअप यूज़ नहीं करती तो मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ती इतने मेकअप की, ना मुझे इतना शौक है। तो अब ये कि जो भी मेरे पास कलेक्शन है, मैं सिलेक्टेड आइटम यूज़ करती हूँ और अच्छे प्रोडक्ट यूज़ करती हूँ। तो चले मैंने सोचा आप लोगों के साथ, मैंने जैसे काशी के प्रोडक्ट क्या आप लोगों को वीडियो बनाई है, थोड़ा सा आप लोगों को दिखाया उसके प्रोडक्ट कैसे। अभी मैंने उसके प्रोडक्ट परचेज़ नहीं किए हैं, मैं इंशाल्लाह लूँगी। बट ये कि जो मेरे पास प्रोडक्ट हैं वो भी बहुत अच्छे हैं, वो मैं आपको दिखाती हूँ। और अभी मैंने बहुत कम सामान निकाला हुआ है, थोड़ा बहुत और भी है, तो बट जो मैं अभी आजकल यूज़ कर रही हूँ वो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। अच्छा, आप लोगों को ये नज़र आ रही होगी आई पैलेट, ये देखें, ये भी काफ़ी अच्छी है। और बाकी ये जो है, ये मेरे पास है आईब्रो, ये ब्रो ब्रश है इसका, और ये ब्राउन कलर में आईब्रो को फिलअप करने के लिए। ये बाकी जो है, मैं आई शिमर वगैरह लेके आऊँगी, आप लोगों को दिखाऊंगी। अभी जो सामान मेरे बैग में था वो बस यही था, तो मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर करूँ। और क्योंकि मेकअप की वीडियो बनाई थी तो थोड़ी सी मैंने अपनी कलेक्शन भी शेयर की। नेल कलर हैं ये भी, एज अ ब्लश और टिंट हम यूज़ कर सकते हैं इसको, पीच कलर है। और ये देखें, ये टॉप फेस का है, ये मैंने ब्रांजर से लिया था बेस, बस एज अ बेस मैं ये यूज़ करती हूँ। उसके बाद ये यूज़ करती हूँ, फेस पाउडर अपना लगा लिया पहले सिरम लगा के, उसके बाद ब्लश ऑन अप्लाई किया, देन आई पे कोई भी लाइट कलर से दे दी, और लिप कलर बस मेरा ये होता है। मस्कारा यूज़ करती हूँ और लाइनर कभी यूज़ कर लेती हूँ कभी नहीं, लाइनर अभी मेरे पास इस वक्त नहीं है। तो कैसी लगी आपको मेरी वीडियो और मेरी मेकअप कलेक्शन, मुझे ज़रूर कमेंट्स करके बताइएगा। मैं आप लोगों के लिए न्यू मेकअप जो परचेज़ करूँगी वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। बाकी बोनांजा के, जे डॉट के और क्रिस्टीन वालों के भी काफ़ी अच्छे प्रोडक्ट हैं, ज़रूरी है हम बहुत ही एक्सपेंसिव की तरफ जाएं। आप अच्छी कॉस्मेटिक शॉप से भी अच्छी चीज़ें ले सकते हैं, बट ये है कि एक्सपायरी वगैरह देख के लें। और उस मतलब कलर ऐसे हैं जो थोड़ा स्टे करें, उड़ने वाले नहीं हो। जो मैंने आपको कलेक्शन दिखाई है ऐसे हैं कि मेकअप हमारा स्टे करता है और काफ़ी अच्छा लगता है। आई होप कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।